शफो, खुद को संभालो। अब रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होगा। काश तुमने पहले ही अकल से काम लिया होता। मेरी अकल पे शक की पट्टी बांध दी थी उस चूहे ने। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी नफरत करती है मुझसे। इस हद तक चली जाएगी मुझे बर्बाद करने में। उर्फी बेचारा भूलता रहा तो अपनी वफादारी का सबूत देता रहा। हाथ दिलाता रहा। मुझे कुछ नजर नहीं आया अम्मा, मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैं दुर्योधन और उर्फी को उसी नजर से देखती थी जिसे जूही दिखाना चाहती थी। खुदा बर्बाद करे उस जूही को। भी मैं अब आबाद नहीं रहने दूंगी अम्मा। ठीक उस तरह तबाह करूंगी जिस तरह उसने मेरी जिंदगी तबाह की। आ लेने दो उसकी मां को लाहौर से। मैं पूरी बरादरी को इकट्ठा करूंगी। बरादरी इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं अम्मा। आप जूही के घर जाएं, कि उसके ससुराल जाएं और उनको बताएं कि उनकी बहू कितने काले दिल की है। बताएं कि वो जहरीली नागिन है और वो किसी भी वक्त किसी को डस सकती है। ऐसे ही करूंगी। मैं चाहूंगी जूही के ससुराल, उसके शौहर और उसके ससुराल वालों को सब कुछ बताऊंगी। अगर सफिया अपना और मेरा रिश्ता भूल सकती है तो फिर मैं भी भूल सकती हूं। बेटी कुछ तो खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना अम्मा। आप बस उसके ससुराल जाए अभी जाए।